हेलो पीपल अ वेरी वाम वेलकम टू कंसाइज क्लासेस सो स्टूडेंट आज आपका लेक्चर ट्वेंटी सेवन है और आज के में we'll who, whom, सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट हु एवर एंड होम एवर इसे प्रीवियस सेशन में स्टूडेंट वी डिस्कड अबाउट हु एंड होम जहां मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा था दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस एंड हाउ यू विल चूज बिटवीन हु एंड होम एंड आज के सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग दिस ना लेट्स जस्ट इमेजिन योर एग्जामिनर इज वे मोकानिंग ठीक है एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं

ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं सो so, स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि आप हु who और होम का यूज करते हैं ह्यूमन्स के लिए यू नेवर यूज इट फॉर एनिमल्स यू नेवर यूज इट फॉर इन्फेंट्स आप छोटे बेबीज के लिए यूज नहीं करते हैं राइट सिमिलरली स्टूडेंट हु एवर और होम एवर का यूज भी आप करते हैं सिर्फ ह्यूमन्स के लिए ओनली फॉर ह्यूमन्स और किसी के लिए भी नहीं ठीक है लेकिन स्टूडेंट क्या बेसिक डिफरेंस है बिटवीन हु एंड हु एवर कैसे पता चलेगा कि हमें सेंटेंस में हु यूज करना है या फिर हु एवर यूज करना है देखिए स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है एक अलग से एक सेपरेट लेक्चर है फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है वो सेशन पहले जाकर देखिए क्लॉज क्या होता है ठीक है सो so स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज वैसे तो जब हम कंजंक्शन की बात करते हैं तो वहां तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती ही लेकिन यहाँ पर ये नीड ऑफ द मोमेंट है तो आपको जानना जरूरी है कि डिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है बहुत ईजी है एक ऐसा क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज ठीक है आपको नाम से ही पता लग गया है कि डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज जो किसी और क्लॉज पर डिपेंड करेगा डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी अकेले स्टैंड आउट नहीं हो सकता है आपको हमेशा कोई और सेंटेंस कोई और क्लॉज सेंटेंस में चाहिए होगा उस क्लॉज के कंप्लीशन के लिए ठीक है आप कभी भी डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं अकेले और हम डिपेंडेंट क्लॉज को स्टूडेंट सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं ना लेट्स जस्ट इमेजिन एक सेंटेंस ले लेते हैं जैसे द पुअर वुमन द पुअर वुमेन हैड नो मनी बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर जॉब ठीक है आप ये नोट डाउन करते चलना सेंटेंस ये सेंटेंस है द पुअर वुमेन हैड नो मनी बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर जॉब की वो जो गरीब औरत है उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसकी जॉब छूट गई ठीक है क्योंकि उसकी जॉब छूट गई इसलिए उसके पास पैसे नहीं है सो so, इस सेंटेंस uh, में स्टूडेंट दो क्लॉज हैं क्लॉज नंबर वन बिकॉज क्या है आपका एक कंजंक्शन और दूसरा है आपका क्लॉज नंबर टू सो जो पहला क्लॉज है द पुअर वुमेन हैड नो मनी ये कहलाता है स्टूडेंट आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज ठीक है इस क्लॉज को किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे अकेले भी यूज़ करेंगे द पुअर वुमन हैड नो मनी की वो जो गरीब औरत है उसके पास पैसे नहीं है ठीक है तो आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसने आपको कंप्लीट सेंस ऑटोमेटिकली दे दिया लेकिन अगर आप ये दूसरा क्लॉज यूज करेंगे शी हैड लॉस्ट हर जॉब उसने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी उसकी जॉब तो उस छूट गई तो एकदम क्वेश्चन आएगा क्यों छूट गई ठीक है एकदम क्वेश्चन आएगा वाई ठीक है सो so स्टूडेंट जो आपका इंडिपेंडेंट सॉरी जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है जिसे हम सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं इसे आप कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर सकते हैं ठीक है आप इसे अलोन सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते आपको हमेशा किसी और क्लॉज की जरूरत पड़ेगी डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए और बिकॉज क्या है आपका एक कंजंक्शन ठीक है ना स्टूडेंट तो ये कहलाता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज हु एवर और होम एवर का यूज आप हमेशा करेंगे उस क्लॉज में जो डिपेंडेंट है ठीक है जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है लेकिन हु who और हुम में ऐसा नहीं है हु who और हुम आप इंडिपेंडेंट क्लॉज में यूज करते हैं लेकिन जो आपका हु एवर और हुम एवर है वो स्टूडेंट आप यूज करते हैं कहाँ पर वो आप यूज करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज में ठीक है अब आप समझिए डिफरेंस क्या है आप पहला सेंटेंस देखिए उससे पहले आप ये सेंटेंस पढ़िए कि हु एंड हु एवर सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ठीक है जो सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज होगी उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस ठीक है मैंने आपको एक हमेशा बेसिक सा डिफरेंस सॉरी बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताती चली हूं कि जो जनरल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है सेंटेंस में जब भी वर्ब आएगी वो हमेशा आती है सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है इसके अलावा कुछ नहीं ठीक है तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है राइट right, पीपल इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है सो हु एंड हु Uh, whoever, आपकी सब्जेक्ट प्रोनाउंस होती हैं ये सेंटेंस में फंक्शन करती है सेम एज हा आई ही शी वी दे बिकॉज ये सब क्या है ये आपकी एक सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ठीक है पर्सनल प्रोनाउन में हमने इनके बारे में बात की है ठीक है और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या करती है वर्ब का एक्शन ठीक है जो एक्शन कर रही है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अब आप ये सेंटेंस देखिए आई ओपन द डोर टू सी वेदर इट स्टिल रेनिंग मैंने डोर खोल कर देखा कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं वेदर स्टूडेंट एक प्रोबेबिलिटी वर्ड है जो प्रोबेबिलिटी बताता है कि क्या वो हो रहा है या नहीं ठीक है तो आई ओपन द डोर टू सी वेदर इट स्टिल रेनिंग अगर आप इसकी जगह हु रखकर देखें कि हु ओपन द डोर टू सी वेदर इट वॉज स्टिल रेनिंग तो आपको आंसर मिलेगा आई में ठीक है आपको आंसर मिला आई में दूसरा ये आपका क्या है आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है हु ओपन द डोर She opened the door. I opened the door. He opened the door. तो ये आपका एक independent clause, एक principal clause है ठीक है तो दूसरी बात आप इसलिए यहाँ पर who use करेंगे whoever नहीं use करेंगे Next sentence देखिए आप हु एवर ब्रॉड दीज ब्राउनीज टू द पार्टी शुड बी कमेंडेड जो कोई भी ब्राउनीज लाया है पार्टी में उसको कमेंट करना चाहिए उसको प्रेस करना चाहिए ठीक है कमेंट का मतलब होता है प्रेस करना यानी कि तारीफ करना ठीक है शुड बी कमेंडेड तो अगर आप यहां पर हु यूज करेंगे तो ये सेंटेंस पहली बार मीनिंगफुल नहीं लगेगा कि हु ब्रॉड दीज ब्राउनीज टू दार्टी शुड बी कमेंडेड यानी कि कौन ब्राउनीज पार्टी में लाया था शुड बी कमेंडेड तो पहली बात यह सेंटेंस लगा थोड़ा अटपटा ठीक है दूसरी बात स्टूडेंट ये आपका क्या है एक डिपेंडेंट क्लॉस कि हु एवर ब्रॉड दीज ब्राउनीज टू द पार्टीज शुड बी कमेंडेड एवर ब्रॉड डीज ब्राउनीज टू द पार्टी अगर आप इसको सिर्फ इतना छोड़ देते तो सेंटेंस निकल कर आता कि जो कोई भी ब्राउनीज लाया है पार्टी में तो जो कोई भी ब्राउनीज लाया है पार्टी में उसका क्या करना है ठीक है आपको आंसर तो नहीं मिला ना जैसे ही आपने शुड बी कमेंडेड जोड़ा ये सेंटेंस सॉरी ये जो क्लॉज है वो पूरा हो गया ठीक है अगर आप इसकी जगह हु ब्रॉड डीज brownies टू द पार्टी करते हो और ये सेंटेंस सिर्फ यहां तक होता तो ये सेंटेंस फिर यू नो कंप्लीट हो जाता दूसरा ये आपका एक इंटरोगेटिव हो जाता तो दूसरा पॉइंट आप नोट डाउन करें हु Who और whom का यूज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं लेकिन हु एवर और whom एवर का यूज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं कर सकते हैं ठीक है अब आप इसकी जगह रखकर देखो ही ब्रॉड डीज ब्राउनीज टू द पार्टी ठीक है ही ब्रॉड डीज ब्राउनीज टू द Party. तो अब अब आपका आंसर मिला ही ही से से पर आएगा आएगा क्यों नहीं नहीं पहली बात मैंने आपको में बताया था कि आप कभी भी sentence की beginning, object नहीं कर सकते या तो आपका आएगा यानी कि या आएगा, आएगा, आएगा आपका पोजेसिव केस ठीक है कभी भी ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस की बिगनिंग में नहीं आता है आई टोल्ड यू अबाउट दिस दैट इज वाई स्टूडेंट हम या फिर हिम कभी भी सेंटेंस की बिगनिंग में यूज नहीं करते हैं ओके दैट इज वाई स्टूडेंट यहां पर आएगा हु एवर अगर सेंटेंस की बिगनिंग में आपको कभी फिल आउट करना है हु एवर और हुम एवर में तो बिना सोचे बिना उसको ट्रांसलेट करे सीधे सीधे हु एवर लगा देना क्योंकि सेंटेंस की बिगनिंग में कभी भी हु एवर नहीं आएगा दूसरा स्टूडेंट यहां पर आप सेंटेंस देख सकते हैं यहां पर है आपके दो क्लॉज ठीक है मैंने इनको सेपरेट कर कर भी बताया है कि ही ब्रॉड दीज ब्राउनीज टू द पार्टीज ही शुड बी कमेंडेड ठीक है तो यहां पर दो क्लॉज हैं और ये वाला क्लॉज इस पर डिपेंड कर रहा है और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसी में आपका आता है हु एवर आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी नेक्स्ट हम बात करते हैं हु who और हुम एवर के बारे में सो so, हूम और हुम एवर आपकी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं दे फंक्शन द सेम वे एज मी हिम हर आज देम राइट पीपल तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करती हैं ठीक है मैंने आपको बताया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन करा है या फिर ऑब्जेक्ट प्रोणाम आपकी कैसे यूज होंगी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह ठीक है जैसे अब आप ये सेंटेंस देखिए यू कैन इन्वाइट हु एवर हुम एवर यू वॉन्ट टू द कॉन्सर्ट एक बार मेरा आंसर चूज करने से पहले बताने से पहले मेरा मतलब है आप खुद इसका आंसर कर कर देखिएगा पॉज करके सो so, यू कैन इन्वाइट हु एवोर्ड या फिर हुम एवो यू वॉन्ट टू द कॉन्सर्ट ठीक है तो अब आपको यहाँ पर चूज करना है कि हु एवोर्ड आएगा या फिर हुम एवोर्ड आएगा ठीक है अब आप इसका इसको रिप्लेस करके देखिए ही से और इसको रिप्लेस करके देखिए हिम से ठीक है सो यू कैन इन्वाइट ही यू कैन इन्वाइट ही अब स्टूडेंट जो आपकी कैन है ठीक है ये क्या है आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है और आपकी इनवाइट क्या है ये आपकी एक मेन वर्ब है ठीक है और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है अब ही तो आपकी सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ही तो नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा यू कैन इन्वाइट हिम ठीक है और मैंने आपको क्या बताया होम एवर को रिप्लेस करके देखो हिम से यानी कि यहाँ पर आएगा होम एवर सो यू कैन इन्वाइट होम एवोर यू वॉन्ट टू द कॉन्सर्ट ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए स्टूडेंट हैरी शुड गिव द अवार्ड टू होम एवर ही थिंग्स डिजर्व इट वो किसी को भी अवार्ड दे सकता है जिसको वो सोचता है कि वो डिजर्विंग है तो टू होम एवर तो टू यहां पर क्या है स्टूडेंट प्रेपोजिशन ठीक है टू क्या है स्टूडेंट ये आपका प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है स्टूडेंट आपकी हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आती है तो होम एवर आएगा ठीक है रिप्लेस करके देखो हैरी शुड गिव द अवार्ड टू हिम टू ही तो नहीं हो सकता टू हिम ठीक है नेक्स्ट देखिए आई इम्प्रेस हुम एवर आई मीट आई इम्प्रेस हुम एवर आई मीट रिप्लेस करके देखो हिम से आई इम्प्रेस हिम आई मीट ठीक है, आई इम्प्रेस हिम तो इम्प्रेस क्या है आपकी एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद या फिर वर्ब के बाद आपका हमेशा ऑब्जेक्ट आता है इसके बाद हम वर्ब भी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट वहां मैं आपको बताऊंगी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होता है और डिटेल में तो बिल्कुल भी वरी वर्ड मत होइएगा। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करती चलूंगी लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको बताती चलती हूँ वो भी नोट डाउन करते चलिए सो दैट जैसे जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना कंप्लीट करते जाएं, आप लिंक्ड भी करते चलें ठीक है सो आई इम्प्रेस हुम एवर आई मी मैं जिससे भी मिलता हूँ उसे मैं इम्प्रेस करता हूँ ठीक है तो so हुए या फिर हुम एवर जिससे भी जो कोई भी ठीक है सो आई इम्प्रेस हिम आपने रिप्लेस करके देखा दूसरा हिम आपकी वर्ब है और आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस तो आ नहीं सकता तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि आई इम्प्रेस ही सो दैट इज वाई स्टूडेंट यहां पर आएगा हु एवर आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी नेक्स्ट स्टूडेंट यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं ठीक है और आपको चूज करना है दैट वेदर यहां पर हु who आएगा हुम आएगा हु एवर आएगा या फिर स्टूडेंट आएगा आपका होम एव ठीक है सो so, मेरे आंसर्स बताने से पहले आप वीडियो को अग्न पॉज करके इसको सॉल्व कर कर देखना देन आप आंसर्स मैच करना सो फर्स्ट सेंटेंस है आपका डैश ब्रॉड द मेल इन टूडे ठीक है डैश ब्रॉड द मेल इन टूडे सीधी सीधी सी बात मैंने आपको बता दी कि हु और होम का यूज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं हु एवर्ड और होम एवर्ड का यूज़ हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं करते इंटरॉगेटिव सेंटेंस है सेंटेंस की बिगनिंग है हु who आएगा हुम तो आ ही नहीं सकता क्योंकि होम आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ठीक है एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो अगर यहाँ पर हुम आना होता तो इससे पहले बाय या फिर कोई भी आपकी प्रोनाउन होनी सॉरी कोई भी आपकी प्रपोजिशन होनी जरूरी थी तो यहां पर कोई प्रपोजिशन भी नहीं है दूसरा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हु who, और हु एवर तो आप यूज ही नहीं कर सकते हुम आपका आ नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और सेंटेंस की बिगनिंग हम कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से नहीं करते तो जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट बुक क्या है वो है आपका हु ठीक है नेक्स्ट देखिए ही इज द डॉक्टर डैश टोक जिमीज टॉन्सल्स आउट अब आप अगेन सोचिए कि ही इज द डॉक्टर डैश टुक जिमीज टॉन्सल्स आउट ठीक है तो आप यहां पे क्या यूज करेंगे यहां पर भी स्टूडेंट आप यूज करेंगे हु ठीक है हु रिप्लेस करके देखो ही इज द डॉक्टर हु टुक जिमीज टॉन्सल्स आउट तो रिप्लेस करके देखो ही टुक जिमीज टॉन्सल्स आउट ठीक है आप ये नहीं बोलोगे हिम टुक जिमीज टॉन्सल्स आउट आप जब इसकी जगह ही रखोगे तो आप देखोगे कि ये सेंटेंस बैलेंस हो गया है दैट इज वाई स्टूडेंट यहां भी आएगा हु who, एवर नहीं आएगा बिकॉज डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है ही इज द डॉक्टर हु टुक जिमीज टॉन्सल आउट ठीक है नेक्स्ट so, हम बात करते हैं डैश डिड यू गो टू द मूवी विद डैश डिड यू गो टू विद अब यहां पे स्टूडेंट विद आपका एंड में आ गया है अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है सेंटेंस को समझिएगा इंटरोगेटिव है हु एवर नहीं आ सकता ठीक है आप इसको पहले सेंटेंस से लिंक करने का सोचेंगे और आप बिना सोचे समझे यहां पर क्या लगा देंगे हु लगा देंगे लेकिन हु नहीं आएगा यहाँ पर आएगा स्टूडेंट क्या यहां पर आएगा स्टूडेंट आपका क्या हूँ ठीक है क्यों आएगा वो समझिए यहां पर आपका हूँ क्यों आएगा क्योंकि यहां पर एंड में आ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए देयर विल बी अ प्राइज अवारेड टू डैश फिनिशर्स फर्स्ट जो कोई भी पहले फिनिश करेगा उसे प्राइज मिलेगा जो कोई भी जो कोई भी हम एक स्पेसिफिक पर्सन की तो बात कर नहीं रहे हैं तो जो कोई भी ठीक है तो यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट हुए या फिर होम एवर लेकिन आएगा क्या अब आप ये सोचें सो so, अब आप क्या करें यहां पर पहले होम एवर लिखकर देखें जब आपने हुम एवर रखा तो अब आप हुम एवर को रिप्लेस करें हिम से तो हिम फिनिशेस फर्स्ट अब ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है मैंने आपको बताया है क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट तो कभी भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ना एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकती अगर आप सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज करेंगे तो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगी सो दैट इज वाई स्टूडेंट आप यहां पर हुम एवर यूज नहीं करेंगे यहां पर आएगा हु एवर सो देर विल बी अ प्राइज अवॉर्डेड टू हु एवर फिनिशेज फर्स्ट ठीक है रिप्लेस कर कर देखो ही फिनिशेज फोस्ट ठीक है सो दैट इज वाई स्टूडेंट इस सेंटेंस में आएगा हु एवर अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे यहां पर टू देख कर क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन है टू देखकर बिना सोचे समझे हुम एवर लगा देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है और जब भी प्रोनाउन आएगा तो वो आपका हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा राइट right? मैंने आपको ये बात बताई है तो आप लोग क्या करेंगे फटाफट पड़ से प्रपोजिशन देख के यहाँ पर हूं एवर लगा देंगे क्योंकि मैम आपने कहा था लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है क्यों स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड ना होकर क्लॉज हो जाते हैं आपने पढ़ा होगा अबाउट या फिर नाम आपने सुने होंगे एडवर्बियल क्लॉज एड्जेक्टिवल क्लॉज या फिर नाउन क्लॉज तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल वर्ड ना होकर पूरा एक क्लॉज है मैं जब आपको पूरी ग्रामर एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूंगी ठीक है आपके केवीएस के पर्सपेक्टिव से या फिर डी ट्रिपल एस भी हो गया इसके पर्सपेक्टिव से ये सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज थोड़ा डीप हो गया बट एज आई हैव सेट कि मैं आपको ग्रामर पूरी एक्सप्लेन करूंगी सो so स्टूडेंट मैं आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन करती चलूंगी और मैं आपको इस टाइप के तीन जो क्लॉजे हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी ठीक है तो यहां पर स्टूडेंट ये पूरा क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट है ठीक है और क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर आएगा हु एवर फिनिशेस फर्स्ट यानी कि ही फिनिशेस फर्स्ट ठीक है अगर यहाँ पर ये फिनिशेस फर्स्ट नहीं होता तो आप तब यूज कर लेते हिम देम ठीक है कि दे विल बी अ प्राइज अवार्डेड टू हिम या फिर टू देम क्योंकि यहाँ पर आगे आपका कुछ नहीं है तब आप टू टू के बाद एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते ठीक है लेकिन यहां पर एक क्लॉज भी है ठीक है और क्लॉस का अपना एक सब्जेक्ट होता है तो हु एवोर्ड नहीं आएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा आपका यहां पर आएगा स्टूडेंट आपका हु एवोर्ड आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी नेक्स्ट देखिए शीला विल हैव हाँ हर स्टाइल स्टाइल बाय डैश हर फ्रेंड रोंडा रिकमेंड्स कि शीला उससे अपने हेयर स्टाइल कराएगी जिसे उसके फ्रेंड ने रिकमेंड करा है ठीक है जिसे भी उसके फ्रेंड ने रिकमेंड करा है तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट होम एवर होम एवर क्यों आएगा क्योंकि यहां पर अब आप प्रन का लगाएंगे ठीक है शीला विल हैव हाँ हर स्टाइल बाय होम एवर ठीक है अब होम एवर की जगह हिम लगाकर देखो तो हिम यहां पर बैलेंस हो रहा है अगर ही लगाओगे तो बैलेंस नहीं होगा ठीक है तो शीला विल हैव हाँ हर स्टाइल्ड बाय होम एवर हर फ्रेंड क्लैरिटी मिली होगी नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट जो मैं आपसे बात कर रही थी वेन द एंटायर हु वर्क दैट फॉलोज द क्लॉज एनालाइज द क्लॉज टू डेट अड वेदर टू यूज हु एवर एंड हु जब पूरा क्लॉज आपका एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तब आप एनालाइज करें कि हु एवर आएगा या फिर होम एवर आएगा क्योंकि सेंटेंस की बिगनिंग में स्टूडेंट होम एवर भी आ जाता है होम नहीं आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइम मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस पे अगर होम पहले आएगा तो उससे पहले प्रपोजिशन आना ज़रूरी है ठीक है प्रपोजिशन आना ज़रूरी है लेकिन आपका होम एवर सेंटेंस की बिगनिंग में आ जाता है तो जब आपका हु एवर हुम एवर जब सेंटेंस की बिगनिंग में आ जाता है जबकि ये आपका क्या है ये आपकी एक कैसी प्रोनाउन है ये आपकी एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपकी सेंटेंस की बिगनिंग में नहीं आ सकती है राइट right? सो so, कैसे अब आप समझेंगे हु एवर इज इलेक्टेड विल सर्व अ फोर ईयर टर्म जिसे भी आपने इलेक्ट करा है या फिर जो भी इलेक्ट हुआ है विल सर्व अ फोर ईयर टर्म अब हु एवर को रिप्लेस करो ही इज इलेक्टेड विल सर्व अ फोर ईयर टर्म ठीक है ही इज इलेक्टेड विल सर्व अ फोर ईयर टर्म तो यहां पर हु एवर क्या है स्टूडेंट इसका सब्जेक्ट है तो यहां पर हु एवर आपने आराम से चूज कर लिया लेकिन अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए होम एवर यू इलेक्ट विल सर्व अ फोर इयर टर्म अब आप सेंटेंस की बिगनिंग को सोच के देखेंगे कि यहाँ पर हु एवर यू इलेक्ट आना चाहिए हुम एवर यू इलेक्ट नहीं आना चाहिए लेकिन स्टूडेंट अब इस सेंटेंस को सही से एनालाइज करिए यहाँ पर जो हुम एवर है स्टूडेंट ये इलेक्ट का ऑब्जेक्ट है लेकिन जो ये वाला क्लॉज है इसका क्या है सब्जेक्ट ठीक है विल सर्व अ फोर ईयर टर्म तो इसका कहीं ना कहीं हमें सब्जेक्ट भी तो चाहिए तो इसका ये सब्जेक्ट है स्टूडेंट ठीक है सो होम एवर यू इलेक्ट विल सर्व अ फोर ईयर टर्म अब आप इसको ही हिम से रिप्लेस करेंगे तो हिम यू इलेक्ट आपको अटपटा लगेगा गलत लगेगा आप यहां पे ही यू इलेक्ट कराएंगे लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है यू इलेक्टेड हिम ठीक है पहले वाले सेंटेंस में ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है ही इज इलेक्टेड यहां पर इलेक्ट होना है तो होम एवर यू इलेक्ट विल सर्व अ फोर इयर टर्म जिसे भी तुम इलेक्ट करोगे तो तुमने किसे इलेक्ट करा आई इलेक्टेड हिम आंसर देखा ना कैसे मिला किसे तुमने इलेक्ट करा तुमने किससे इलेक्ट करा आई इलेक्टेड हिम ठीक है तो आप सेंटेंस को स्टूडेंट इस तरह से घुमा कर भी समझिएगा ठीक है हर बार ऐसा नहीं है कि सेंटेंस की बिकनिंग में आप एकदम हु एवर लगा देंगे कई बार ऐसा भी है कि सेंटेंस डिस्टॉट हो जाता है और वहाँ पर आप यूज कर लेते हैं होम एवर होम एवर यू इलेक्ट विल सर्व अ फोर इयर टर्म ठीक है बिकॉज हु एवर क्या है इलेक्ट का ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका सब्जेक्ट है तो जिसे भी तुम इलेक्ट करोगे तो तुमने किसे इलेक्ट करा मैंने इसे इलेक्ट करा आई इलेक्टेड है आप ही तो नहीं बोलोगे ना आई इलेक्ट ही आप ये बोलोगे ना आई इलेक्टेड है ठीक है ऊपर वाला हु एवर इज इलेक्टेड जो कोई भी इलेक्ट हुआ है जो कोई भी इलेक्ट हो चुका है मतलब ही इज इलेक्टेड ही इज़ इलेक्टेड वो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है ही इज इलेक्टेड आप ये तो नहीं बोलोगे ना हीम इज इलेक्टेड राइट पीपल सो आई होप स्टूडेंट आपको हु एवर और हुम एवर में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करिएगा थैंक यू सो मच